महोदय, आज आप सब से कुशल समझकर आज की क्लास शुरू कर रही हूँ। प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था, कल की क्लास में हम वर्णमाला हिंदी वर्णमाला के साथ बारहवीं सीखे थे। बारहवीं सीखते समय हम स्वरों के साथ स्वर की मात्रा में सीखना चाहिए। हम कहाँ तक सीखे थे, स्वरों की मात्राएं अ ई ओ उ ए ऐ तक हम सीखे थे। आपको उस अक्षर के सब शब्दों और वाक्य और पढ़ने आपको आ रहा है समझ कर देखिए। आपका मतलब कोई भी नहीं होता, अ ई ओ उ ए ऐ आपको मात्रा के साथ सिखाते हुए आगे हम ओ की प्लस ला के साथ औ की
हुआ हुआ आपको समझ में आया समझ में चला। एक बार दो बार तीन बार आपको दोहराइए मेरे साथ। ढोला, होटल, कोयल, पौधा, खिलौना, हथौड़ा, हंस, भंथर, पतंग, नमः, चार। देखिए वो देखिए इधर आप मुझे आपको समझ रही हूँ। वो ये माता बिना माता स्वराक्षर के है ओखरी, ओस, औरत, औजार, अंग, ऐसे ये स्वरों के ही शब्द है। आपको किताब में एक बार पढ़ो देखिए देखिए ओ करी आपको चित्र के साथ है। ओ करी, ओस, ओस चित्र के साथ है, औरत, औजार आपको मोटर देखिए इंग्लिश में भी है मोटर, ओस, न्यू, ओमान, टोस देखिए ऐसा देखिए वो शब्द के साथ स्वरों को स्वरों के साथ व्यंजन के साथ एक शब्द है। ढोल चित्र के साथ है, बोथल, कोयल, पौधा, खिलौना, हथौड़ा है। देखिए शब्द शब्दों के साथ वाक्य की रचना। मनोहर ने ढोलक बजाई, मोहन चौक में पौधा रोपा, धोनी तौलिया दर रख, मौसी बोतल पकड़, सौरभ नौकर को बुला। देखिए वाक्य हम वहाँ बना सकते हैं। बारह कड़ी हम सीखना है, सीख के साथ ही हमें मिलता है शब्द, शब्द के साथ मिलता है वाक्य, हम वाक्य के साथ मिलता है अपना वाचिक सुललित होता है। ऐसे ही हम अब देखिए आहा हम आहा हम के हंस हम थोड़ा रुक कर उच्चारण करते हैं हंस, भंदर, पतन, ऐसे नमः, शय, छान, ऊंट आपको ये भी उच्चारण बार बार करता रहना करते रहे तो आपको उच्चारण के पढ़ने के लिए सुललित हो जाएगा। देखिए यहाँ आप ओ ओ ओ का मात्र लगाना है देखिए ता आपको डैशेदर ताकि बाद कौन सी लगाना है ताकि बाद हम लगाना है ओके मात्रा मिलता है तोता आपको शब्द में मिलता है तोता। अब देखिए ला आगे की है क्या लगाना है लाओ ये ला के साथ औ की मात्रा लाओ की पर यहाँ देखिए बा ताला है अब कौन सी है बोतल ओ की मात्रा लगाना है खरगोश गोश को ओ की मात्रा डोल को ओ की मात्रा ये है नौकर ओ की मात्रा चिल्ड्रन आप एक ना दो तीन बार पढ़कर दोहराइए शब्द बार बार हर एक वर्ण वर्ण का शब्द रचन कीजिए शब्दों के साथ आपको वाक्य रचना मिलता है पढ़ने में ईजी होता है ओके आज के लिए इतना ही बस कल के लिए और एक नए लेसन ले